हेलो फ्रेंड, मैं हूँ प्रीति और स्वागत करती हूँ आपका प्रीति किचन में। आज हम बनाएंगे लौकी और चने दाल की सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, और आप इस रेसिपी को देखकर एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए बना लेते हैं। ये मैंने लौकी, 1 केजी लौकी है, इसको मैंने काट लिया है। ये मैंने 2 मुट्ठी चने की दाल रात में भिगो के रख दिया था। इन दोनों को हम कुकर में डाल लेंगे। चने दाल को भी इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक और आधे गिलास पानी डाल के हम इसे 4 सीटी लगा लेंगे हाई फ्लेम पे। इसमें हम मसाला ले लेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च और ये भुना हुआ जीरा का पाउडर। इन सबको हम पानी डाल के एक पेस्ट बना के रख लेंगे। इससे कि क्या होता है, मसाला अच्छे से फूल जाता है और इसका सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है। ये मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। अब हम गैस पे कढ़ाई रख देंगे, उसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप जो भी तेल यूज करते हैं उसे में बनाइए। आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 तेज़पत्ता डाल देंगे, 1 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे 2 टुकड़ों में तोड़ के। इन सबको थोड़ा सा हम भून लेंगे। उसके बाद हम ये चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को भी हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर और टमाटर को भी हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। इसमें कटा हुआ टमाटर ही डालना है, पेस्ट नहीं डालना है। ये देखिए टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम ये मसाले का जो पेस्ट बना के रखे थे उसे भी डाल लेंगे। इसमें 1 चम्मच हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इन सब को हम डाल के अच्छे से मसाले को भून लेंगे। मसाले को तब तक भूनना है जब तक इसमें से तेल बाहर दिखने ना लगे। ये डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक और नमक डाल के भी हम अच्छे से इसे भून लेंगे। आधी छोटी चम्मच हम डाल देंगे गरम मसाला, 1 चम्मच डाल देंगे कसूरी मेथी और इन सब को डाल के हम अच्छे से चला लेंगे। थोड़ा देर के लिए हम इसे ढक के भी पका लेंगे। ये देखिए मसाला अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम डाल देंगे बॉईल किया हुआ लौकी और चना दाल। चना दाल को आप एक बार चेक कर लीजिए, ये देखिए अच्छे से पक गया है। बॉईल किया हुआ लौकी और चने दाल को भी हम इसमें डाल देंगे। अब मसाला अच्छे से भुना गया है इसलिए हम इसे अब डाल देंगे और डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ धनिया पत्ती और इसे ढक के हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट के बाद हम एक बार इसे मिला लेंगे। एक मिनट के लिए हम इसे और अच्छे से पका लेंगे। 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा सब्जी बन गया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा और धनिया पत्ती डाल देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए लौकी और चने दाल की सब्जी बनकर तैयार हो गई है।
आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।